का स्वागत है माफिया के यूट्यूब पर। गाइस आज हमसे मिलने आए हैं आप गितेश गुरु। इतने दिनों के बाद भाई से मिलने के लिए इतना वो हो रहा था कि आज भाई को मैंने पकड़ ही लिया। कभी भाई डेट देते थे तो अपने पे टाइम नहीं था, कभी मैं बोलता था तो भाई के पास टाइम नहीं था, तो आज हम मिलके सूरज भाई की वजह से हम मिल ही गए। बहुत मेहनत कर रहे हैं और तो भैया ने आज तक अपना फेस नहीं दिखाया, आज भाई ने मेरे चैनल पे फेस दिखा दिया है, फेस रिवील कर दिया इस चीज का। और भाई का जो मेन जो है जो भाई का जो मेन डॉग है वो ये माफिया। हाय माफिया, हेलो करो सबको। पास आगे दिखा दो, सूरज पास हो जाएंगे हम भी है ना। हाँ तो ये क्या नाम है, आपने कैसे सोचा था इसके बारे में, मतलब वीडियो वगैरह बनाने का, इसका कैसे माइंड में आया? मैंने इसे स्टार्टिंग करी थी इसकी ट्रेनिंग वीडियो से। अच्छा। हाँ तो मैंने इसे मतलब ऐसे बेसिक ट्रेनिंग देता था मैं, जैसे कि लाइक हैंड चेक हो गया, नो फूड नो पोल्यूशन हो गई, तो मैंने वहाँ से स्टार्टिंग करी थी। जब ये मेरे पास 3 महीने का था जब से मैंने सोचा बस ये वीडियो बनाऊँ और यूट्यूब पर डालू, यहाँ से मेरी स्टार्टिंग शुरू हुई थी। ठीक है, जब देखा भाई ने क्या भाई अभी यूट्यूब इनकम देने लग गया तो भाई धुआं सीधा, जैसे कहते ना धुआं फिर नहीं रुकने वाले भाई हमारे, है ना, ऐसे ही था ना, ऐसे ही था। हाँ मतलब प्यार सपोर्ट भी मिल रहा है साथ में। और ये क्या नाम है, क्या एज का था जब इसको लेके आया? जब मैं इसे लेके आया था ये 2 मंथ का था। अच्छा ये 2 मंथ का था। और अभी मेरे ख्याल से 1 साल ऊपर होगा, 1.5 साल। ठीक है। और इसको डाइट में क्या दे रहे हो वैसे आप? इसे डाइट में तो फिलहाल तो जैसे कि मैं आपको से बताऊँ, जैसे कि छोटा था ना तो उसके खर्चे भी ज्यादा थे, बच्चों के हम होम मेड से दे सकते हैं। अच्छा। तो इसे हम बाहर के देते हैं लाइक फोकस। हाँ, फोकस था। और रोल किनर, जायंट रोल किनर मैंने स्टार्टिंग करी थी इसे। ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने फोकस पे आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद देखकर मैं फूड चेंज करता रहा, जो टेस्ट था जैसे होममेड भी हो गया है। हाँ, कुछ भी आप देते रहे। फिर मैंने 4 मंथ बाद होममेड का मतलब रोटी हो गई, थोड़ा बहुत खाने लग गया था उसके बाद। ठीक है, 4 महीने। अच्छा एक चीज बताओ, जनता जानना चाहती है कि आपने फेस क्यों नहीं दिखाया, पहले तो इस चीज का जवाब दो। बिल्कुल सही आंसर देना, जैसे जनता ये भी कहेगी हाँ इस वजह से आपने फेस नहीं दिखाया, कोई बात नहीं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए था मेरा डॉग। ठीक है। ये चैलेंज जो मैंने बनाया था खास कर मैं अपने डॉग के लिए बनाया था, अपने लिए नहीं बनाया था। ठीक है। और मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं इतनी मतलब इतना अच्छा खासा, अभी तो इतना नहीं है पर अच्छा खासा। अरे बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, आगे और हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए बस सूरज भाई का प्यार है, बहुत कुछ हो जाएगा आगे। ज्यादा भी बस ये था कि बस मैंने अपने डॉग का चैनल बनाया था। ठीक है। इसलिए मैं फेस का इतना इंपॉर्टेंट समझता था कि मैं अपना फेस दिखाऊं। अच्छा, अब तो इसकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त बन गई है ना। अब तो लोग घर के बाहर भी आते रहते होंगे कि यहाँ पे रहता है ये, है ना? जैसे हम आ रहे हैं अभी। बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर इसके जो छोटी एज वाले हैं 15 के नीचे वो ज्यादातर आते हैं मिलने के लिए, मतलब बच्चों की फैन फॉलोइंग भी आ गई है, यही बात है ना। ठीक है, तो गाइस इन्हें अपना चेहरा रिवील कर दिया है, तो यही भाई है। ठीक है ना, आवाज पहचान ली होगी आप लोगों ने। और दूसरा, अच्छा एक चीज और बताओ, इसका नाम माफिया क्यों कैसे रखा, क्या सोच के रखा माफिया? इसका नाम पहले था ऑस्कर। अच्छा। जो हमने फैमिली में डिसाइड करके रखा था। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऑस्कर कई नाम के मतलब कि मैंने सर्च करा यूट्यूब पर, काफी नाम ऑस्कर नाम के पपीज थे, डॉग्स थे, और हमारे पास में भी एक ऑस्कर नाम का पिटबुल है। ठीक है। तो मैं सोचा कुछ यूनिक नाम रखते हैं। ठीक है। जो उसको जो जिससे मैंने लिया था ना, उन्होंने इसका नाम सोचा था माफिया। माफिया उन्होंने सोचा था। ठीक है, क्योंकि ब्रीड भी माफिया टाइप की है, अग्रेसिव। हाँ है ना, थोड़ी गैंगस्टर जैसे। गैंगस्टर जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कारण की वजह से नाम मैंने यूनिक लगा एकदम समोसा अलग, इसलिए मैंने उसका माफिया नाम रखा। ठीक है। और आज उसी के वजह से इम्पैक्ट पड़ता लोगों, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है इसका, नो डाउट बहुत प्यारा है। अच्छा इसका एग्रेसिव लेवल कैसा है इसका? देखो अभी मैं इसको हाथ लगा सकता हूँ वैसे? मेरे को तो बहुत डर लग रहा है वैसे, जेन्युइन बताऊं तो। मत लगाओ, डस लेगा तुम्हें, डस लेगा। अच्छा, क्योंकि जो मैंने देखा है ना, इनका नेचर शाय नहीं होता, इनका नेचर से इनके नेचर चाहे आप इनको कितना मर्जी ट्रेंड कर लो, बस अगर इनका मूड बिगड़ गया ना तो आप बिगड़ गए, ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे ही है इसके साथ भी। मतलब कुछ तो हद तक सही हो आपकी बात, कुछ कुछ हद तक। अगर देखो सबसे बड़ी बात है, अगर आप कुछ डेंजर ब्रीड पालते हो सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। ट्रेनिंग आपको प्रॉपर्ली देनी पड़ती है और सबसे बड़ी डाइट, डाइट होगी मेन। ठीक है। कुछ शरीर की वैसे थोड़े से एग्रेसिव डॉग होते हैं, जो ब्रीड को प्रॉब्लम होती है उनके पेन होता है, तो उससे उनको जो एक्सेप काफी गुना बढ़ जाता है, भले कोई ब्रीड हो वैसे, और खासकर तो उनके नेचर में एग्रेसिव काफी ज्यादा होता है। अच्छा, ये आपके घर के अंदर किसके साथ खास बना हुआ है? मेरे ख्याल मैंने आपकी वीडियो में देखा, आपकी मदर के साथ बहुत ज्यादा लगा हुआ है। सही कह रहा हूं मैं? जी के साथ। जब आपके जब सब्सक्राइबर थे ना 1000 के आसपास थे, तब मेरे को वीडियो रिकमेंड आई थी, तब से मैं आपका फैन फॉलोइंग। ओह थैंक यू। देखो सब
छोटी बात है, मम्मी जी से नए मतलब खाती रहती ना खाना पीना था इसका वो ध्यान रखती है, वो ध्यान रखती है बस बस ऐसे ही है। मेरी सिस्टर भी उसका इतना ख्याल रखती है जिसकी मतलब ये लगा हुआ आपके जब सिस्टर नहीं होती ना वो मेरा डॉग भी खाना नहीं खाता। हाँ होता है ऐसा, यही होता है इनकी जब मम्मी चली जाती है मुझे भी नहीं खाता, बिल्कुल उदास उदास पड़ा रहता है बस उदास है। सैड मूड। और गाइस इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, गितेश गुरु काफी बढ़िया वीडियो डालते हैं, मैं भी देखता हूँ वीडियो और आप भी देखो, आपको भी काफी अच्छी मूवी मिल जाएंगी। तो गाइस अभी आपको दिखाएंगे कि डॉग मतलब एक किसी भी चीज को कैसे गार्ड करता है, तो आप चैनल पे बने रहना और देखना है। गार्ड 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 चीज और बताओ कि पिटबुल ही क्यों चुना आपने? तो पिटबुल देखो मैंने चुना जो मुझे गिफ्ट किया गया था और काफी लोगों ने मुझे अच्छा गिफ्टेड है ये। यस यस मुझे काफी लोगों ने मना भी करता कि ये प्लीज ये ब्रीड मत पालो क्योंकि ये ब्रीड काफी ज्यादा डेंजर हो सकती है पब्लिक के लिए। ठीक है, और पर ये आपने एक चैलेंज लिया अपने लिए कि अभी मैं इसको मतलब ऐसा नहीं बनाऊंगा, पाल सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा काफी लोग शेर भी पाल रहे हैं यार। बिल्कुल बड़ी बात है, जिगरा होना चाहिए आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिगरा सबसे बड़ा होता है। ठीक है बेबी, अब तुम्हारा भाई फिर जिगरा है भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। अच्छा एक चीज और बताओ मेरे को इसका कि ये जो है इसको आपने एक ट्रेंड कर रखा था स्निफिंग की, स्निफिंग का था ना वो जो आप हैंकी एक छुपाते हो, वो जरूर हमारे व्यूअर्स को दिखाना अभी। ठीक है ना ललित भाई, अच्छा एक चीज बताओ अब इसके साथ क्या एक ट्रिक करने वाले हो आप? ट्रिक मतलब ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग। हाँ क्या ट्रेनिंग करने वाले? बिल्कुल ठीक है, सिंपल ट्रेनिंग। यस यस, अच्छा सर ट्रेनिंग मतलब कोई चीज अगर गुम हो जाती है तो? तो मैंने काफी टाइम इसमें अपने मतलब फायदे के लिए भी यूज करी है मैंने, काफी चीजें सोर्स हो गए हो जाते थे। अच्छा दूसरा सोर्स मतलब इसमें करवा के ठीक है मतलब ढूंढवा रहता है। अच्छा मतलब अच्छा ट्रेन कर रखा है आपने, एक बार करना सुखाना इसको दोबारा। तो गाइस अभी मैं करूंगा ये चीज और ऐसी जगह छुपाऊंगा जहाँ बिना सोची ना होगी, चीना होगी सोची ना होगी। इसका मुंह करो बाद में बाथरूम में, मैंने बाल्टी में रख दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। ओ तेरी के, क्या बात है क्या बात है। तो गाइस आप देख रहे हो बिल्कुल आपके सामने लाइव दिखाया है इस चीज का। ओके इसका नाम माफिया ऐसे ही नहीं पड़ा। लीड गुड बॉय लीड।